हम लाइव जुड़ चुके हैं। नमस्ते आपको, नमस्ते वर्ल्ड नमस्ते, वर्ल्ड रेडियो डे की शुभकामनाएं। जी हाँ, तो हमारी हमारी शुभकामनाएं। सोच रही थी मैं फिर नहीं गड़बड़ा दूं। हाँ ना। तो काफी इंटरेस्टिंग आज का दिन, हैप्पी वर्ल्ड रेडियो डे। और कई हमारे साथी हैं जो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, मजा ले रहे हैं। अभी आप हमें लाइव देख सकते हैं, लाइव ऑन फेसबुक। हाँ। और लाइव ऑन एयर आप हमें सुन भी सकते हैं। हाँ। तो हम आज के दिन के विषय में आपको बतला रहे थे कि बहुत समय से, यूं कह कि एक सेंचुरी हो चुका है। हाँ। जब रेडियो जो है ये जुड़ा हुआ है, और देखा जाए अब रेडियो का जोर जो है ये कई वर्षों से काफी हद तक रहा है, और अब इसका एक अलग ही प्रसारण जो है, जैसे कि हमने कहा कि डिजिटल हम हो चुके हैं। पहले एनालॉग पर थे। हाँ। पहले हमें याद है कि हम सिर्फ AM रेडियो था। हाँ। और उसके बाद में फिर जो स्टीरियो आया ना, सेमी स्टीरियो आया, फिर स्टीरियो आया। तो अब ज्यादा तौर पर स्टीरियो जो है इसका मजा लोग लेते हैं। इसमें साउंड क्वालिटी जो है ये अच्छी होती है, और साथ ही साथ में देखा जाए तो कई हमारे साथी हैं जो म्यूजिक लवर्स हैं, तो स्टीरियो जो है ये साउंड को, म्यूजिक को और भी एनहांस कर देती है। हर एक जो सुर साज है, इसकी आवाज आप तक भली प्रकार से पहुंचती है। राइट। तो चाहेंगे कि आप अपना कुछ मैसेज वगैरह अगर आप भेजना चाहते हैं तो आप भेज सकते हैं। हाँ। क्योंकि अभी थोड़ी देर में तो हम प्रोग्राम वगैरह जो है ये कंटिन्यू करेंगे, और थोड़ी देर में हम लाइव तो वैसे भी जुड़ने वाले हैं, क्योंकि हम हाँ। एक रेसिपी लाएंगे, और आज हम बताएंगे रोन जी हाँ FMF की ओर से कि किस तरह से आप आइस ब्लॉक घर पर बहुत ही मलाईदार बना सकते हैं। क्या बात है, मैं आप बिलीव हाँ। नहीं करोगे, मैं जब यहाँ से घर जाती हूँ, मैं रोज शाम को एक आइस ब्लॉक खरीद कर खाती हूँ। क्या बात, रोज शाम को मेरी एक आदत हो गई है। और उसके बाद तो फिर सर्दी वगैरह होती है, वो एक अलग स्टोरी है, लेकिन मैं खाती हूँ क्योंकि इतनी गर्मी है अभी। बाय गॉड, यहाँ से बाहर निकलते हैं हम तो खुद को ऐसा लगता है कि हम आइसक्रीम अभी पिघल जाएंगे, इतनी ज्यादा गर्मी हो। तो आज आप आइसक्रीम बनाएंगी, और तो कल आप लेकर आएंगी आइसक्रीम। अरे आप आधे टाइम तक आप आओगे तो आइसक्रीम पेट में होगा मेरी। तो चलिए, बहुत कुछ आज ऑर्गेनाइज किया गया है। हाँ। हमारे कार पार्क में दिख रहे काफी भीड़ जो है ये इकट्ठा होने लगी है, और आज हमारा ओपन डे भी है, तो इसको लेकर एक्साइटमेंट है। प्यारी फोटोज है वहाँ पर, देखा आपने? अभी हम आए कि आपने पकड़ लिया, अब जा रहे हैं। अच्छा, तो देखेंगे। अच्छा, सुनीता हमेशा रेडियो सरगम के साथ में आप रहती, थैंक यू सो मच। जी हाँ, आपने कहा कि काश आप आ सकती और हमसे मुलाकात कर सकती। ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब आप रेडियो के साथ में नहीं जुड़ती। जी हाँ। एक बात मैं इनके बारे में आपको बताऊं, अभी इनके यहाँ पर एक दुखद घटना घटी थी। इन्होंने अपने एक चाहने वाले को बहुत, मतलब अपने पति को खोया, लेकिन ये हमारे साथ फिर भी जुड़ी रही। जी। ये हमें बराबर मैसेज करती रही, और ये बात मेरे एकदम दिल को छू गई। दिल को नहीं, हम कह सकते रूह को छू गई। ये बहुत बड़ी बात है किसी भी इंसान के लिए, क्योंकि जब दुख आता है तो इंसान उस टाइम पर सब कुछ भूल जाता है। जी हाँ। ये उस टाइम पर भी हमको नहीं भूली, जो बहुत बड़ी बात है। तो सुजन थैंक यू सो मच। सिंगतों का मैं आप है, और साथ में रजनेश जी है, है ना? धड़ाधड़ आ रहे हैं मैसेज। जी हाँ जी हाँ, रंजेश नारायण है। ओके, रंजेश नारायण। हाँ रंजेश, थैंक यू। और रवि एंड आशी देव है, रेणु लाल है, पूज्यमा कुमार ये भी है, अक्सर रेडियो सुनती रहती है, स्नेहलता है आपकी नवरासी, और सलेशनी नारायण जी, थैंक यू। आपको हम हैप्पी वर्ल्ड रेडियो आपको भी हम विश कर रहे हैं, और आपने लिखा है। अच्छा, बहुत सारे नारायण है ना। हाँ नारायण नारायण। तो चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, और हम आपको इनवाइट कर रहे हैं कि अभी आप शायद घर पर हैं, सुबनोसूरी इलाके में हैं, या फिर शायद अभी आप वेस्ट से इधर घूमने के लिए आए हुए हैं, तो आप आ सकते हैं हमारे दफ्तर। यहाँ पर बहुत सारे एग्जीबिशंस जो है डिस्प्ले पर रखा गया है, कुछ पुरानी पुरानी यादें जो है ये ताजा होगी, मुलाकातें होगी, कुछ प्रोग्राम भी है जो कि दिन में 3 बजे तक चलता रहेगा। हाँ, और तो, रोनिल को आप देख सकेंगे, रोनिल से आप मिलना चाहते हैं, बहुत सारे लोग, अच्छा रोनिल जब आते हैं यहाँ पर जी हाँ, तो आके हमसे कहते हैं कि हम रोनिल से मिले मंतारा। हाँ, तो हम उनको बताते ना कि आप कितने बजे आते हैं। हाँ, तो ये अभी टाइम ऐसा बड़ी मुश्किल से होता है, रोनिल इतने बजे
यहाँ पर हो आ जाओ भाई, ये मौका है मिलने का, तो वरना मिलेगा नहीं फिर बाद में। आइए मुलाकात करते हैं, कुछ सेल्फी वगैरह लेंगे, कुछ गपशप करेंगे, कुछ नई यादें बनाएंगे। हाँ, नई यादें बनाएंगे। हाँ, यही है कि वर्ल्ड रेडियो डे है और ये दिन जो है ये हम अनाउंसर्स के लिए एक बड़ा दिन है, क्योंकि हम साल भर औरों को विश करते हैं। ये एक दिन आता है भाई कि आप हमको विश करें और प्लेटफॉर्म भी हम दे रहे हैं आपको। और दूसरी बात ये, कभी कभी लोग सोचते हैं कि भाई अनाउंसर्स बड़े चहल पहल वाले होते हैं, क्योंकि रेडियो पर आते हैं और अच्छा लगता है। और कुछ लोग सोचते हैं कि अनाउंसर्स बड़े घमंडी होते हैं। नहीं, हाँ, हम नहीं है घमंडी भी। हाँ, एक बात हम यहाँ पर गौर करना चाहेंगे जरूर कि आप सुनेंगे एक अनाउंसर हमेशा मुस्कुराता खुश मिजाज आपको दिखेगा, लेकिन अक्सर ऐसा होता नहीं है। ना ना। ये बात कभी कभी हम लोगों को याद दिलाते हैं। आज वो दिन है जो हम याद दिला दें कि भाई आप जैसे हम भी इंसान हैं, जो भी अनाउंसर है वो भी जो रेडियो पर माइक पर आता है, आपको आपसे बातें करता है, आपको ढाढ़स बनाता है, आपको हिम्मत देता है, हौसला अफजाई करता है, उनके जिंदगी में भी कई बार बड़ी बड़ी घटनाएं होती रहती है, लेकिन आपको पता नहीं चलने देते हम। जी हाँ, आपको पता नहीं चलती घर पर क्या हो रहा है, नौकरी पर क्या हो रहा है, या फिर अगर बिजनेस है उसमें क्या हो रहा है, या यू कहे कि परिवार में कोई शायद सगा संबंधी था जो शायद यू कहे कि बिछड़ चुका है। बहुत कुछ जैसे आपकी जिंदगी में चलता रहता है वैसे हमारी भी जिंदगी में चलता रहता है, लेकिन हमारा एक गोल्डन रूल होता है कि जब हमने माइक के बटन को ऑन किया उस समय हम अपने लिए नहीं आपके हो जाते हैं। हम एक्चुअली में रोन, जब भी कोई यहाँ पर काम सीखने आता है, जी हाँ, जो हमें सिखाया गया हम उनको बताते हैं कि जब आप आए तो अपनी जो दुख भरी गठरी है उसको ऐसे सर से उतारे और वहाँ बाहर दरवाजे के पास रखकर आ जाए, अंदर आ जाए, वो दुख भरी गठरी जो है उसको छोड़ दे वहीं, सब कुछ भूल जाए, क्योंकि यहाँ पर हम सिर्फ आपके लिए हैं, और जाना है तो फिर अपनी गठरी उठा के ले। बिल्कुल सही, सिंपल, बिल्कुल सही। लेकिन बात गौरतलब ये है कि सब कुछ दिमाग में होने के बावजूद भी जब अनाउंसर रेडियो पर आता है तो खिलखिलाता है, हंसता है, आपके साथ में आपकी तरह से बातें करता है और आपके लिए सब कुछ वो भूल जाता है। सही में ये समझने वाली बात है। मान लीजिए घर पर यू कहे कि शायद कुछ बवाल खड़ा हुआ है, या फिर मान लीजिए कोई बीमार है, बहुत लाइफ सपोर्ट पर पड़ा हुआ है, कोई इमीडिएट फैमिली मेंबर कोई है जो लाइफ सपोर्ट पर भर्ती है और वहीं पर हमें काम पर रहना है, तो उस समय भले ही कितना भी जरूरी सदस्य क्यों ना हो परिवार का, वो भले ही हम जानते हैं कि भी भर्ती है और कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम रेडियो पर आते हैं उसी तरह से मुस्कुराते हैं, उसी तरह से आपसे बातें करते हैं। तो ये एक टैलेंट जो है ये एक अनाउंसर में होना है और ये होता है। कई बार कभी कभी हम बातें करते हैं, हम आते हैं, इसने बड़ी दुखी बैठी रहती है, एकदम ये हो गया रोनील, अभी फलाना फलाना घटना हुआ है, लेकिन जैसे ही माइक ऑन करती है, हाँ तो कैसी हो, आज हम आइसक्रीम बनाएंगे, आज हम ये करेंगे, आज हम वो, जैसे माइक ऑफ होता है, अरे अब कैसे हुई, कहाँ से आई, कैसे काम चली। नहीं, लेकिन ये सच है कि नहीं? हाँ, सच है, ये मैं सच आपको है। सच में एक बात बताऊं? जी हाँ, कुछ टाइम ऐसे हुआ था हमारी लाइफ में जिसे को बोलते ना सुनामी आता है सब कुछ, लेकिन हम लोग जैसे माइक ऑन करते हैं, हाँ, रेडियो सरगम का साथ आप दे रहे हैं और हम आपके साथ रहेंगे। सही में। और फिर उसके बाद में कैसे हुई रोनील, कैसे हुई, मैं कुछ समझ तो ये आज हम शेयर कर रहे हैं क्योंकि आज वर्ल्ड रेडियो डे है ना, बैक ऑफ द माइक क्या होता है, फिर तैयारियां करनी पड़ती हैं, आज हम आपको क्या बताने वाले हैं इसको लेकर, अभी देखो दिमागी कसरत हम लाते हैं ना, रोज हम दिमागी कसरत लाते हैं और सवाल के विषय में कभी कभी लोग हमसे पूछते हैं कि भाई रोनील तुम कहाँ से लाता है ये सब क्वेश्चन? नहीं पूछना हाँ, भाई हाँ, कहाँ से लाते, खुद तो लाते, मेरा दिमाग खराब है। हाँ, तो नहीं, अब
ये ऐसे तो आ नहीं जाता रोनिल के पास में ना, इसके लिए रिसर्च करना होता है, ढूंढना पड़ता है, वेब छानना पड़ता है, कहीं पहली वाली बुक खोजनी पड़ती है, यूं कहे कि बहुत मेहनत बहुत मशक्कत के बाद में तो ये सब प्रोग्राम जो है तैयार होता है, और उसके बाद में हम आते हैं आपकी सेवा में, उसे लेकर आते हैं और एक अलग ही एनवायरनमेंट जो है क्रिएट हो जाता है। तो हम जाते हैं महफिलों में, ये क्या है प्रशा है लाइट ऑन है ना? ओ लाइट ऑन है, हाँ लाइट तुम्हारी तरफ घुमा हुआ नहीं मैं तो नेचुरली दिखती ही हूँ। ओ तो ये क्या था, ये क्या था? मैंने कुछ नहीं बोला ओके देखिए तो बहुत सारे 10:30 बजे बिल्कुल सही 10 मिनट के बाद में जी हाँ। और ये आज आइसक्रीम हम बनाएंगे, हाँ आइसक्रीम बनाएंगे, तो आप रहना जब हम आइसक्रीम बनाएंगे, कोशिश करेंगे, मिलेगा तो नहीं खाने के लिए लेकिन फिर भी बना देंगे। अच्छा ठीक है, चलिए ओके, थैंक यू सो मच। लेकिन हमारे साथ रहे क्योंकि थोड़ी देर में हम फिर से जुड़ेंगे आपके साथ। आ तेरी उम्र में लिख दूं चांद सितारों से, तेरा जन्मदिन मनाऊं फूल से बहारों से, आपको दिल से जन्मदिन।